और ये हिंदुस्तान है, यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उद्धव जैसे ज्ञानी मूर्ख कहलाते हैं और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं, ये वो हिंदुस्तान है। तो ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा, समय है मुझे पहले बता देना कम समय है। मैं छोटी सी कविता है मेरे पास, मुझे देश के तिरंगे के ऊपर, यहाँ जितने लोग देश के तिरंगे का सम्मान करते हैं एक बार मुझे समर्थन दें तो मैं कविता को शुरुआत करूँगा। ये झंडा प्रतीक है अपने दिल में लिखी कहानी का, ये झंडा प्रतीक है अपने दिल में लिखी कहानी का, ये झंडा प्रतीक है अपने बेटों की कुर्बानी का। और इस झंडे ने अंग्रेजों की सारी राह मोड़ी थी, और इसी झंडे ने अंग्रेजों की सभी जंजीरें तोड़ी, इस झंडे ने अंग्रेजी झंडे का थंब हिलाया था, और इसी झंडे ने अंग्रेजी झंडे को धूल मिलाया था, इस झंडे से अंग्रेजों की सत्ता पल में डोली थी। आप लोगों का समर्थन चाहूंगा जितने लोग देश से प्यार करते हैं, इस झंडे से अंग्रेजों की सत्ता पल में डोली थी। और ज्यादा क्योंकि इसको लेकर माँ के बेटे आगे बढ़ते जाते थे, इसको लेकर अंग्रेजों के सर पे चढ़ते जाते थे, इसकी खातिर परसों हमने अपना खून बहाया था, तब जाकर मुझे लाल किले पर ये झंडा। और इसको तुम समझ लेना केवल कपड़ा खादी का, खादी की जो इसको तुम समझ लेना केवल झंडा, इसको तुम समझ लेना केवल झंडा खादी का, ये झंडा प्रतीक है अपने बेटों की आजादी। केसरिया इतना पावन है मन को पावन करता है, केसरिया इतना पावन है मन को पावन करता है, श्वेत रंग ऐसा है मन में सदा सादगी भरता है, हरा रंग कहता हरियाली चारों दिशा लाते ही रहता, और चक्र कहरा विकास का चक्र चलाते हैं। लेकिन कहेंगे भाई बदुल हमारे देश के कुछ लोगों ने हमारे देश के रंग को काट कर रख दिया, तो मेरे कुंबे के फकीर ने लिखा कि केसरिया हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम, केसरिया हिंदू हुआ और हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जान धर्म का नाम, हमारे देश के पीरों ने कहा है। तब कहा कि केसरिया हिंदू का कहकर इसका मान घटाओ मत, केसरिया हिंदू का कहकर इसका मान घटाओ मत, खरा मुसलमान का कहकर छिड़ा और बढ़ाओ मत, श्वेत रंग ईसा का कहकर अपनों को ही बांटो मत, और चक्र किसी मजहब का कहकर अपनों को ही बांटो मत। कविता की आग्रह दोहराए और बहुत कम समय में आपका साथ दे दूंगा अभी, कि भाईचारे की धारा तन में होगा पहने तो, भाईचारे की धारा तन में होगा पहने दो, और तीनों रंग साथ में रखकर चक्र सुदर्शन। क्या बात है।